दोस्तों, कोरोना वायरस आज के दिन एक महामारी रूप धारण कर चुकी है। बट क्या आपको पता है इस कोरोना वायरस को कौन सा डॉक्टर था जो पहली बार आइडेंटिफाई किया था? अगर इस डॉक्टर के बारे में आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि चाइना के वुहान सेंट्रल हॉस्पिटल में ली वांगलिन करके एक डॉक्टर थे जिनके पास 30 दिसंबर 2019 को कुछ पेशेंट्स आए और उन्होंने उन सारे पेशेंट्स को टेस्ट करके देखा कि ये तो कोई ख़तरनाक वायरस है जो कि नया है। और इस वायरस के बारे में उन्होंने दूसरे जो डॉक्टर से और हॉस्पिटल से उन तक पहुंचाया थ्रू प्राइवेट चैट, और ये चैट रातों रात वायरल हो गया और चाइनीज़ गवर्नमेंट को लगा कि ये डॉक्टर अफवाह फैला रहा है, यानी कि रूमर स्प्रेड कर रहा है। और उसके बाद उस डॉक्टर को अरेस्ट भी कर लिया गया था। और सबसे ख़तरनाक बात यह है कि 7 जनवरी 2020 को उस डॉक्टर का मौत हो गया था कोरोना वायरस के ही कारण। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।